नमस्ते फ्रेंड, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा प्राइवेट ITI के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम परसेंटेज प्रतिशत के बारे में डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चनों को हम जल्दी से जल्दी कैसे कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते तो सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, शत मतलब होता है हिंदी में सो, शत मतलब हिंदी में क्या होता है सो। ठीक है, शत मतलब हिंदी में क्या होता है सो। यदि हम परसेंटेज की डेफिनेशन की बात करें, प्रतिशत की डेफिनेशन की बात करें, किसी संख्या को सो के रिस्पेक्ट में लिखना, सो के रेस्पेक्ट में लिखना क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। किसी संख्या को सो के रिस्पेक्ट में लिखना क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रतिशत, दूसरा होता है भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या होता है, किसी संख्या को एक के रेस्पेक्ट में लिखना, के रेस्पेक्ट में लिखना क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, भिन्न मतलब क्या होता है, भिन्न आपने शुरू में भी पढ़ा होगा, भिन्न होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है अंश, दूसरा होता है हर। अंश और हर से मिलकर क्या बनता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो प्रतिशत चैप्टर में दो चीज़ें आपको हमेशा मिलेगी, एक होता है प्रतिशत, दूसरा होता है भिन्न। प्रतिशत मतलब क्या, किसी भी चीज़ को सो के रिस्पेक्ट में लिखना, उसे क्या कहते हैं प्रतिशत। भिन्न क्या होता है, किसी भी संख्या को एक के रिस्पेक्ट में लिखना, तो उसे कहते हैं भिन्न। ठीक है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। दूसरा आता है भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कैसे डिवाइड करते हैं। प्रतिशत को यदि भिन्न बनाना है तो उसमें क्या करते हैं, हम सो का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं, सो का भाग लगाते हैं। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो किसका भाग लगाते हैं, सो का भाग लगाते हैं। और भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, सो का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं, सो का गुणा करते हैं। क्लियर है? कैसे, एग्जांपल से समझो। जैसे मैंने कहा कि 20%, क्या कहा, 20%, इस 20% को आपको काय में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या कहा था मैंने, 20% मतलब किससे भाग लगा दो, 100 से भाग लगा दो। तो 20 बटा 100 मतलब 20 से 30 को काटोगे तो 20 एक कम 20, 20 पंजे 100, मतलब 20% का भिन्न कितना होता है, 1/5। 20% का भिन्न कितना होता है, 1/5। यदि मैं आपसे बोलूं कि 30% का भिन्न कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 30 में 100 का भाग लगा दोगे। तो 30 एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आएगा कितना, 3/10। 3/10 मतलब 30% को भिन्न में क्या लिखते हैं, 3/10। इसका जस्ट उल्टा, यदि कोई चीज़ भिन्न में दे के रखे, जैसे 3/4, ठीक है, 3/4 कोई भी भिन्न है, इसको आपको काय में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या बोला था मैंने, क्या कर दो उसमें, 100 का गुणा कर दो, मतलब 3/4 × 100। 4 × 1 = 4, 4 × 25 = 100। ये कितना आ जाएगा, 75%। ये कितना आ जाएगा, 75%, 15, 25 या 75। तो 3/4 को प्रतिशत कितना होता है, 3/4 का प्रतिशत होता है मतलब 75%। जैसे 1/2, 1/2 आप सबको पता है कितना होता है, 50%। कैसे आता है देखो, 1/2 में 100 का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो ये कितना आ गया आपका, 50%। ये हो गई इसकी बेसिक की बात। ठीक है, कॉमन सा बेसिक है, आपको बचपन से आता होगा, फिर भी एक बार बता दिया मैंने कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते, 100 का भाग लगाकर, और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते, 100 का गुणा करके। ठीक है, इसके आगे देखो कि परसेंटेज को पढ़ते कैसे, देखो परसेंटेज को पढ़ना सिखा दो, परसेंटेज को पढ़ते कैसे,
जैसे मैंने लिखा 20%, कितना लिखा 20%, तो 20% को सबसे पहले भिन्न में बदलो। 20% को सबसे पहले काय में बदलो, भिन्न में। तो क्या करोगे, 100 का भाग लगाओगे। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था 20% मतलब कितना होता है, 1/5। 20% मतलब कितना होता है, 1/5। तो इस परसेंटेज को पढ़ते कैसे हम, इस परसेंटेज को ऐसे पढ़ते कि 5 का 20% एक होता है, 5 का 20% एक है। ठीक है, कैसे पढ़ोगे, 5 का 20% एक होता है। ठीक है, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि 30% मतलब कितना होता है, तो आपने भी जस्ट देखा था 3/10। ठीक, तो इसको क्या पढ़ोगे, 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। का मतलब गणित में होता है गुणा, का मतलब गणित में होता है गुणा। देखो इसको प्रूफ करके बताता हूँ, मैंने क्या बोला 5 का 20%, तो 5 का मतलब क्या हो गया, गुणा 20% मतलब 20/100। तो इसको सॉल्व करो तो 1 आना चाहिए, इसको सॉल्व करो तो 1 आना चाहिए। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, या फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 1 बचा, कितना, 1। तो हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट देख के बता सकते कि 5 का 20% कितना होता है, 1। जैसे 30%, 30% मतलब 3/10, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 10 का 30% कितना होता है, 3। 10 का 30% कितना होता है, 3। देखो कैसे प्रूफ करोगे, 10 का, तो 10 का मतलब गुणा 30% मतलब 30/100। तो 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, तो आंसर कितना है आपका, 3। ये देखो 3। ठीक है, तो 10 का 3% कितना होता है, 3। तो इस तरीके से परसेंटेज को पढ़ा जाता है, इस तरीके से परसेंटेज को पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम, कभी भी नोट डाल के लिखना, कभी भी आपके क्वेश्चन में का या से आ जाए, कभी भी आपके क्वेश्चन में का या से आ जाए, तो इसका मतलब होता है हर। इसका मतलब क्या होता है, हर। हर मतलब जैसे आपको मैंने बताया था, भिन्न में दो चीजें होती है, भिन्न में दो चीजें होती है, एक होता है आपका अंश, दूसरा होता है आपका हर, दूसरा होता है आपका हर। तो जो जिसके साथ का या से लिखा आ जाए, तो वो किसको निरूपित करेगा, वो हर को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा, हर को निरूपित करेगा। देखो इसको बाय एग्जाम्पल से मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कभी आपको लिखा आ जाए कि ए बी का 20% है, ए बी का 20% है। दूसरा लिखा आ जाए, ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है। ठीक है, फिर लिखा आ जाए, ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है। तो आपसे पूछा ए और बी का मान बताओ, ए ए का मान और बी का मान बताओ, ये आपका पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। ठीक है, तो आपको ए और बी का मान बताना है इन तीनों केसों में ना। ठीक है, ए और बी का मान बताना फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में और थर्ड केस में, ए और बी का मान। ठीक है, अब देखना इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं। ठीक है, उसने तीन कंडीशन दे के रखी है, ए बी का 20% है, ए बी से 20% अधिक है, और ए बी से 20% कम है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझो। 20% को सबसे पहले, जो भी प्रतिशत दे उसको सबसे पहले काय में बदलो, भिन्न में। ठीक है, तो 20% मतलब कितना होता है, 1/5। 20% मतलब कितना होता है, 1/5। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता कि इसको हम पढ़ते कैसे, कि 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो मैंने बोला था का या से जिसके साथ आ जाए वो किसको निरूपित करता है, हर को। तो अभी देखो का किसके साथ आ रहा है, का बी के साथ आ रहा है, मतलब नीचे वाला क्या है आपका, बी। नीचे वाला क्या है आपका, बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या बोला उसने, ए जो है बी का 20% है, ए जो है बी का 20% है। तो बी आपकी भाषा में कितना है, 5 है। तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। तो यही क्या है आपका, ए है। ये क्या हो गया आपका, ए। तो यदि पहले का आंसर पूछे तो कितना आएगा, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 5। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है, 5। क्लियर है यहाँ तक।
दूसरा वाला कैसे करोगे, देखो दूसरा वाला बोल रहा है ए बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो सबसे पहले परसेंटेज को काय में बदलो, भिन्न में बदलो, तो ये हो गया 1/5, परसेंटेज को भिन्न में बदलो, ये हो गया 1/5। अब देखो का या से किसके साथ लग रहा है, का या से बी के साथ लग रहा है, तो नीचे वाला क्या हो गया आपका बी। फिर क्वेश्चन पढ़ो, ए जो है बी से 20% अधिक है, तो बी क्या है आपके लिए 5, तो 5 का 20% कितना होता है 1, तो 1 क्या है अधिक है, 1 क्या है अधिक है किससे, बी से, बी से 20% अधिक है, तो बी मतलब कितना 5, 5 का 20% मतलब 1, 1 क्या है अधिक है किससे, बी से, तो 5 में 1 अधिक, 5 में 1 अधिक कितना हो गया 6, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो 6, और ये हो गया आपका 5, 6 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो 20% को भिन्न में लिखो 1/5, 20% को भिन्न में लिखा 1/5। ठीक है, अब का या से किसके साथ लग रहा है, बी के साथ, तो नीचे वाला क्या हो गया आपका बी। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, ए जो है बी से 20% क्या है कम है, तो बी क्या है आपका 5, 5 का 20% कितना होता है 1, 1 क्या है कम है, 1 क्या है कम है, तो 5 में 1 कम कितना हो गया 4, तो ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए 4, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो आंसर क्या जाएगा 4 और 5, 1 की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज को पढ़ोगे और इस तरीके से आप परसेंटेज को सॉल्व करोगे। क्लियर आ गया, इतना बेसिक समझ में आया कि परसेंटेज को कैसे पढ़ना है और परसेंटेज को डील कैसे करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो आपको देख के रखा है ए बराबर 50 और बी बराबर 300, ए बराबर 50 और बी बराबर 300, और इससे आपको चार क्वेश्चन पूछे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, ए बी का कितना प्रतिशत है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है ए बी का कितना भाग है। ठीक है, यहाँ प्रतिशत पूछा है, यहाँ पर भाग पूछा, भाग मतलब भिन्न में आपको आंसर देना है, भाग मतलब भिन्न में आपको आंसर देना है। ठीक है, फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, फिर चौथा पूछा आपका बी ए का कितना भाग है, भाग मतलब भिन्न में आंसर देना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था शुरू में, परसेंटेज मतलब किसी भी संख्या को 100 के रिस्पेक्ट में लिखना, और भाग मतलब किसी भी संख्या को 1 के रिस्पेक्ट में लिखना, 100 के रिस्पेक्ट में लिखना मतलब 100 का गुणा करना, 1 के रिस्पेक्ट में लिखना मतलब 1 का गुणा करना। बात समझ में आ गया, प्रतिशत मतलब किसी भी संख्या को 100 के रिस्पेक्ट में लिखना, किसी भी संख्या को 100 के रिस्पेक्ट में लिखना, 100 के रिस्पेक्ट में लिखने का मतलब उसमें 100 का गुणा करना, और भिन्न का मतलब होता है किसी भी संख्या को 1 के रिस्पेक्ट में लिखना मतलब उसमें 1 का गुणा करना, मतलब भिन्न बनाना है तो 1 का गुणा कर दो, प्रतिशत बनाना है तो 100 का गुणा कर दो। कैसे करोगे देखो, उसने बोला ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो का किसके साथ आ रहा है, का किसके साथ आ रहा है बी के साथ, तो नीचे क्या आएगा आपका बी, ये आ गया बी, ऊपर क्या आएगा आपका ए। ठीक है, प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत मतलब 100 के रिस्पेक्ट में लिखना मतलब 100 का गुणा कर देना, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको यदि काटोगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 6 18, 16 सही 2/3%, कितना आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे, इसने बोला बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, अब का किसके साथ लग रहा है ए के साथ, तो ए कहाँ आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा बी, ये ऊपर लिख दिया बी, प्रतिशत है मतलब 100 के रिस्पेक्ट में लिखना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 600% है, मतलब बी ए का कितना प्रतिशत है 600% है। क्लियर हुआ, अब देखो उसने बोला भाग देखना, भाग कैसे निकालते हैं, हिस्सा कैसे निकालते हैं, ए बी का कितना हिस्सा है बी का, तो का किसके साथ आया बी के साथ, तो नीचे क्या आएगा आपका बी, ऊपर क्या आएगा आपका ए, और हिस्सा निकालना मतलब भिन्न निकालना, तो किसी भी एक के रिस्पेक्ट में निकालोगे, मैंने क्या बोला था प्रतिशत मतलब 100 का गुणा करना, भिन्न मतलब 1 का गुणा करना, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 6 की 30, इसका आंसर कितना आया 1/6, ए बी का कितना भाग है ए बी का 1/6 भाग है, ए बी का 1/6 भाग है। इस क्वेश्चन को देखो, बी ए का कितना भाग है, अब ए का किसके साथ आया ए के साथ, तो ए कहाँ आएगा आपका
नीचे ए कहाँ आएगा, नीचे। ऊपर क्या आएगा आपका, बी। कितना भाग है मतलब किसका गुणा करोगे, एक का, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, छः पाँच एक कम पाँच, पाँच छः इक्कीस, इसका आंसर कितना आएगा, 6/1, मतलब बी आप बोलो तो कितना आएगा, 6, ठीक है। तो बी ए का कितना भाग है, बी ए का छठा भाग है, बी ए का 6 भाग है। क्लियर हो गया? कैसे डील करोगे, कैसे परसेंटेज को पढ़ोगे और कैसे प्रतिशत और भिन्न को सॉल्व करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे आपसे बोला एक्स का 20% और वाई का 50% क्या है, बराबर है। एक्स का 20% और वाई का 50% बराबर है, तो एक्स अनुपात वाई ज्ञात करो, एक्स अनुपात वाई ज्ञात करो। कैसे करेंगे देखना, पहला क्वेश्चन, एक्स का 20%, मैंने बोला था का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो एक्स गुणा 20% बराबर वाई का 50%, का मतलब गुणा 50%, ऐसा कैसा, ठीक है। दोनों क्या आपस में बराबर है, ठीक है। तो आपको एक्स अनुपात वाई निकालना है, एक्स अनुपात वाई मतलब एक्स बटा वाई निकालना है, क्या निकालना है, एक्स बटा वाई। अब आपको पता है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते, ठीक है। तो ये प्रतिशत देकर रखा था, इसको काय में बदलोगे आप, भिन्न में बदलोगे, तो क्या करोगे, 100 का भाग लगाओगे। तो 20 बटा x इंटू 20 बटा 100 बराबर y इंटू 50 बटा 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से यदि मैं x अपॉन y निकालने बोलूँ तो कितना आएगा, 5/2, कितना आएगा, 5/2। ये आ गया आपका पहले का आंसर, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि x y का कितना प्रतिशत है, एक्स जो है वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो वाई का पूछा, तो का या से जिसके साथ आ जाता हो नीचे वाला, तो नीचे वाई का किसके साथ आ रहा है, वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 कहाँ आएगा, नीचे, एक्स का वाई जो एक्स वाई का, तो का जिसके साथ आ रहा है वो नीचे, एक्स कहाँ आएगा, ऊपर। प्रतिशत है मतलब किसका गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका 25 और 1 0, 250% है, कितना प्रतिशत है, 250% है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे, एक्स का 0.25 किसके बराबर है, वाई का 30% है, तो आपसे पूछा एक्स बटा वाई क्या होगा, आपसे पूछा एक्स बटा वाई क्या होगा, कैसे करोगे समझो। एक्स का मतलब गुणा 0.25 ऐसा का ऐसा बराबर y इंटू 30। अब ये प्रतिशत में है तो इसको भिन्न में बदलोगे तो 100 का क्या लगाओगे, भाग लगाओगे, ठीक है। यहाँ से यदि पॉइंट हटाया तो फिर 100 का भाग, पॉइंट हटाओगे तो 2 0 नीचे आएगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। x अपॉन y पूछूँ मैं यदि आपसे तो कितना आएगा, 30/25, कितना आएगा, 30/25, 5 से काटो, 5 × 30, 5 × 25, तो कितना आया, 6/5, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6/5। क्लियर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 20% 53 है तो वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो इसको दो तरीके से करके बताता हूँ मैं, एक बेसिक से एक इससे। बेसिक से कैसे करोगे, माना कि वह संख्या क्या है x, माना कि वह संख्या क्या है x, तो संख्या माना आपने कितना x, तो x का 20% कितना है, 53। x का मतलब गुणा 20% कितना है, 53। तो आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर प्रतिशत हटाओगे तो 100 का गुणा 100 का भाग बराबर 53, 20 × 1 = 20, 20 × 5 = 100, x बराबर 53 × 5, ये हो गया 15 × 5 = 25 और 26, तो संख्या कितनी है, 263, वो संख्या कितनी है, 263, ठीक है। अब देखना इसको अपन अपनी भाषा से कैसे करते, ठीक है। जैसे मैं आपको परसेंटेज पढ़ना सिखाया था उससे कैसे करते, जैसे उसने क्या बोला, परसेंटेज 20% है, तो 20% मतलब उसको सबसे पहले भिन्न में बदलो, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 1/5, ठीक है। तो अब देखो का या से किसके साथ लग रहा है, संख्या के साथ, ठीक, मतलब नीचे वाला क्या है आपका, संख्या, नीचे वाला क्या है आपका, संख्या। तो आप क्या पढ़ोगे, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है,
और आपके हिसाब से क्वेश्चन में क्या देखा रखा है, संख्या का 20% कितना है, 53। ठीक है, मतलब एक की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है, 53। फिर से बता रहा हूँ, का या से किसके साथ लग रहा है, संख्या, ये आपकी संख्या है, तो संख्या का मतलब 5 का 20% कितना है, 1 है। एक तो आपकी भाषा में, लेकिन क्वेश्चन में कितना देकर रखा है, 20%, 53। तो एक किसके बराबर होगा, 53 के बराबर। आपको संख्या निकालना है, तो संख्या आपने कितना माना, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर 5 का गुणा कर दो, यहाँ पर 5 का गुणा कर दो, तो 1 में 5 का गुणा करा तो 5, और 53 में 5 का गुणा करा तो 265। 53 में 5 का गुणा करा तो 265। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का 23% 69 है, किसी संख्या का 23% 69 है, तो उस संख्या का 42% कितना होगा, किसी संख्या का 23% 69 है, तो संख्या का 42% कितना होगा। तो देखो इसको बिना एक्स माने कैसे करोगे, किसी संख्या का 23% कितना है, 69 है, तो मैं आपसे पूछूं तो 1% कितना होगा, तो 69/23। ठीक है, 69/23। यदि मैं आपसे पूछूं कि 42% कितना होगा, तो आप यहाँ पर 42 का गुणा कर दोगे और यहाँ पर भी 42 का गुणा कर दोगे, तो 69/23 × 42। ठीक है, इससे ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 42 * 3 = 2 * 6 और 4 * 12, ये आ गया आपका आंसर 126। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, उसने क्या बोला, किसी संख्या का 23% कितना है, 69, तो 23% कितना है, 69। तो मैं यदि आप पूछो आपसे 1% कितना है, तो 69/23, तो उसने कितना पूछा, 42%, तो 42% मतलब दोनों तरफ 42 का गुणा कर दो, तो कितना जाएगा, 126। ठीक है, तो आज हमने देखा कि परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, और बेसिक से हम कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।